एवरीवन, आप लोगों के डिमांड पर आज का एक और वीडियो आ चुका है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किड्स वीडियो को इजीली कैसे क्रिएट कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं और आपके व्यूज एंड सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे खासे आएंगे। और मेन जो बात होती है वो होती है चैनल मोनेटाइज, तो आपका चैनल भी 100% मोनेटाइज होगा। आप बहुत सारा किड्स वीडियो देखे होंगे जिनमें बहुत कम चांस होती है चैनल मोनेटाइज होने का, क्योंकि वो क्या करते हैं कि दूसरे के प्रॉपर वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर डाल लेते हैं, जिसके कारण उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उनमें आपका चैनल भी 100% मोनेटाइज होगा और आपको फेस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है और आप कॉपी पेस्ट करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। और आजकल मम्मी पापा के मोबाइल जो अधिकतर बच्चों के हाथ में होते हैं, जिनके कारण किड्स वीडियो पर मिलियन में व्यूज़ आते हैं, आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम यूट्यूब को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे किड्स वीडियो। किड्स वीडियो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी वीडियो खुल के आए हैं सब में आप देख सकते हैं मिलियन में व्यूज है। आप देख सकते हैं इस वाले वीडियो में 6.6 मिलियन व्यूज है, वो भी 3 हफ्ते में। और ये वाला वीडियो देख सकते हैं 7.4 मिलियन व्यूज है। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में 15 मिलियन व्यूज है 1 मंथ में। इसी तरह का किड्स कंटेंट हम भी आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। तो ए फॉर एप्पल बिफोर बॉल वाला वीडियो हम क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमको इमेज चाहिए होगा। इमेज लेने के लिए हम चलेंगे इमेज डाउनलोडर ऐप में। अगर आपके पास इमेज डाउनलोडर ऐप नहीं होगा तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इमेज डाउनलोडर ऐप में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एप्पल। यहाँ हम सर्च कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा एप्पल का इमेज खुल के आ गया है। जो इमेज आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हम ये वाला इमेज को यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी ऐसा इमेज नहीं लीजिएगा जिसमें वाटर मार्क हो, नहीं तो आपके चैनल पे कॉपीराइट आ सकता है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे अब हम सर्च कर लेते हैं बिफोर बॉल। बॉल हम सर्च कर लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा बॉल आ गया है। यहाँ पे ये वाला बॉल ले लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बॉल ले लीजिएगा। इसको खुलने देते हैं, ये खुल गया है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। आप इसी तरह करके ए से लेकर जेड तक के सारे इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे किड्स बैकग्राउंड, यहाँ पे हम किड्स बैकग्राउंड सर्च कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा बैकग्राउंड खुल के आ गया है। आपको जो भी बैकग्राउंड लेना हो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये वाला बैकग्राउंड देखते हैं, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है और कहीं भी कॉपीराइट, मतलब कि कहीं पे भी वाटर मार्क नहीं है, तो ये वाला बैकग्राउंड हम ले सकते हैं। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। अब हमको लेना होगा, यहाँ पे गूगल में जाएंगे और यहाँ पे हम बीजी रिमूव कर लेंगे, जो फोटो लिए हैं उसका बीजी रिमूव कर लेंगे। देख सकते हैं पहले से सर्च करके रखे हैं और पहला जो वेबसाइट आया इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे अपलोड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अभी जो ए फॉर एप्पल बिफोर बॉल वाला इमेज हम लिए थे उसका बीजी रिमूव करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे एप्पल का इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव होके अभी आ जाएगा। आप देख सकते हैं एप्पल का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। इसको यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह हम बॉल का भी इमेज को बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड करेंगे। चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पे अपलोड इमेज के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे और ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अभी जो हम बॉल लिए थे उसको हम क्लिक कर लेंगे। ये खुल रहा है, आप देख सकते हैं बॉल का भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। आप इसी तरह करके ए से लेकर जेड तक के सारे इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे छोटा छोटा क्लिप लेंगे, एप्पल बॉल ये सब का छोटा छोटा क्लिप लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ से इसको बैक आ जाएंगे और यहाँ पे हमको सर्च करना है पिक्साबे।
हम सर्च कर लेते हैं पिक्सा बे, पिक्सा बे सर्च करेंगे और पहला जो वेबसाइट आया इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इमेज का ऑप्शन है, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वीडियोस को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एप्पल, एप्पल सर्च करेंगे, यहाँ पे एप्पल का बहुत सारा वीडियो क्लिप आ जाएगा। देख सकते हैं एप्पल का वीडियो क्लिप आ गया है, ये खुल रहा है, आप देख सकते हैं एप्पल का वीडियो क्लिप आ गया है। आपको जो भी वीडियो पसंद हो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जैसे ये वाला भी आप ले सकते हैं। देख लेते हैं एक बार, इसको यहाँ से एक बार हम प्ले कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये वीडियो क्लिप अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के आइकन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ये यहाँ से डाउनलोड हो गया है, यहाँ से डाउनलोड हो गया है। अब हम बी फोर बॉल का वीडियो क्लिप लेंगे, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे बी फोर बॉल, बैक आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे बॉल, बॉल सर्च कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा बॉल का वीडियो क्लिप आ जाएगा। ये वाला बॉल का वीडियो क्लिप आ गया है यहाँ पे, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, इसको भी एक बार प्ले कर लेते हैं। ये ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये वीडियो क्लिप कितना अच्छा लग रहा है, इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड हो गया है। अब आपको हम बता देते हैं कि आप ए से लेकर जेड तक के सारे वीडियो क्लिप को यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा काइनमास्टर ऐप में या फिर आप कोई भी एडिटर ऐप में जा सकते हैं, जैसे वीएन एडिटर हो गया, इनसॉर्ट हो गया, सभी सेम ही होता है, थोड़ा मोड़ा फर्क होता है। काइनमास्टर में चले जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप लॉन्ग क्रिएटर हैं तो आप 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप शॉर्ट क्रिएटर हैं तो आप 9:16 का रेशियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ हम 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे, आप देख सकते हैं मोबाइल रोटेट हो चुका है। इसके बाद हम इमेज एसेट्स पे जाएंगे और ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे और जितना देर का आपको वीडियो क्रिएट करना है आप इसको खींच के उतना देर तक कर लीजिएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए हम 30 सेकंड तक कर लेते हैं। और उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे, हम मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो बैकग्राउंड को अभी आप डाउनलोड किए थे उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो हम यहाँ पे लिए थे ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लिए और इसको स्प्लिट स्क्रीन में जाएंगे और इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे और इसको भी खींच के एंड तक कर देंगे जितना दूर तक हम बैकग्राउंड सेलेक्ट किए थे। उसके बाद हम लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लगाने के लिए हम लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम ए को टाइप करेंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, ये फॉन्ट जो है ये बड़ा हो जाएगा, ए पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से खींच के थोड़ा बड़ा कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा रखना चाहते हैं कर लीजिएगा। फिर यहाँ कलर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर हम जाएंगे यहाँ पे आउटलाइन में और इसको इनेबल कर लेंगे यहाँ से और ये ब्लैक वाला इस पर सेलेक्ट करेंगे और वाइट कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेते हैं और ये विड्थ का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा पतला हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ए फॉन्ट में जाके आप जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम रोबोटो ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर लीजिएगा। अब ए का टेक्स्ट तो हम लगा लिए, अब एप्पल लिखेंगे। एप्पल लिखने के लिए हम फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एप्पल टाइप कर लेंगे और इसको भी आप हाथ से खींच के बड़ा कर लेंगे। और ए फॉन्ट में जाके आपको जो भी फॉन्ट लेना हो आप ले सकते हैं, तो रोबोटो ब्लैक ही सेलेक्ट करेंगे इसमें भी और इसका भी कलर चेंज कर लेंगे हम, यहाँ पे इसको रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे और हम आउटलाइन में जाएंगे और ब्लैक आउटलाइन इसमें सेलेक्ट है पहले से, इसको हम इनेबल कर लेंगे।
आप यहाँ से पतला या फिर मोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। और इसमें हम शैडो लगाएंगे, शैडो लगाने के लिए इसको इनेबल कर लेंगे और यहाँ से स्प्रिट को थोड़ा बढ़ा लेंगे और ये डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। अब हम यहाँ से लेंगे एप्पल, आप इसमें एनिमेशन लगा लीजिएगा। पहले ए में हम इन एनिमेशन में पॉप लगा देंगे और इसमें भी हम इन एनिमेशन में पॉप लगा देंगे। पहले ए बोलेगा फिर एप्पल, तो ए को पहले रखेंगे और एप्पल को थोड़ा खींच के पीछे ले आएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा दूर से कट कर देंगे। यहाँ से स्ट्रीम पे जाएंगे और ट्रिम राइट पे क्लिक कर देंगे। इस पे भी हम ट्रिम पे जाएंगे और ट्रिम राइट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से लेंगे इमेज, इमेज लेने के लिए हम लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो इमेज अभी हम डाउनलोड किए थे उसको हम यहाँ से ले लेंगे। पहले ये वाला इमेज हम ले लेंगे, इसको आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे इसी इमेज को पहले क्लिक करना है या थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन, इसको डुप्लीकेट कर लीजिएगा और इसमें इन एनिमेशन में पॉप लगा सकते हैं। दोनों में इन एनिमेशन में पॉप लगा दीजिएगा और ये एक में आप ओवरऑल एनिमेशन लगाइएगा जिसमें आप रेन वाला लगा लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर से आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, नन कर देंगे और ऊपर वाला में हम ओवरऑल एनिमेशन लगा लेंगे। रेन वाला लगाइएगा, एक बार हम इसको प्ले कर लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। यहाँ से हम इसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम राइट पे क्लिक करेंगे और इसको भी ट्रिम राइट पे क्लिक करके ट्रिम कर लेंगे। एक ही जगह दोनों को काटना है, आगे पीछे नहीं करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, वीडियो क्लिप को ऐड कर लेंगे। जो वीडियो क्लिप अभी हम डाउनलोड किए थे, लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जो वीडियो क्लिप अभी हम लिए थे उसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। एप्पल वाला पहले हम ले लेते हैं, इसको हम स्प्लिट के ऑप्शन पे जाएंगे, सॉरी इसको आप हाथ से खींच के भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन से हाथ से खींचते हुए इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। देख सकते हैं आप, बहुत ये लंबा वीडियो है, अगर इतना लंबा रखेंगे तो हमारा ऑडियंस बोर हो जाएगी, इसलिए इसको ट्रिम कर लेंगे। देख सकते हैं आप, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ से ट्रिम कर लीजिएगा। यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। यहाँ से ट्रिम पे जाएंगे और ट्रिम लेफ्ट कर देंगे और ये वाला जो वीडियो क्लिप है इसको खींच के आगे ले आएंगे। इसको हम खींच के यहाँ से कर लेते हैं, आपको एक बार हम प्ले करके दिखा देते हैं। एक बार प्ले कर लेते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो हमारा तैयार हो चुका है ए फॉर एप्पल का। अब हम यहाँ से जो है रिकॉर्ड, अपना वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे रिकॉर्ड के ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल में जो रिकॉर्डर का जो ऐप होता है उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वहीं से रिकॉर्ड करें क्योंकि वहाँ से आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखी हूँ, उसको मैं यहाँ से ऐड कर लेती हूँ। पहले क्या कहेंगे, ऑडियो पे क्लिक करके पहले अभी मैं जो रिकॉर्ड की हूँ उसको रिकॉर्ड को ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग को ऐड कर लिए हैं, इसको एक बार हम प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं ये शुरू में बहुत लेट से बोले हैं तो इसको हम यहाँ से ट्रिम करेंगे। यहाँ से हम बोलना स्टार्ट कर रहे थे तो इसको हम यहाँ से थोड़ा इधर कर लेंगे, यहाँ से इसको हम ट्रिम कर लेंगे। यहाँ पे ट्रिम के ऑप्शन में जाएंगे और ट्रिम लेफ्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको खींच के शुरू से ले जाएंगे।
इसको एक बार हम प्ले कर लेते हैं। ए फॉर एप्पल, यहाँ तक खत्म हुआ है, इसको प्रेस करेंगे और ट्रिम के ऑप्शन पे जाएंगे और स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ से ट्रिम हो गया बेस से, इसको खींच के थोड़ा पीछे ले जाएंगे, ये पूरा पीछे चले गया, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, खींच के धर ले आते हैं, थोड़ा पीछे ज़्यादा पीछे चले गया है। अब ये ए फॉर एप्पल वाला जो है, इसको हम प्रेस करके थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेंगे। और ये नीचे वाला जो वॉइस है, इस पर हम किड्स का वॉइस को चेंज कर लेंगे, अपने वॉइस में, अपने वॉइस को किड्स के वॉइस में चेंज कर लेंगे। वॉइस चेंजर में जाएंगे और यहाँ पे किड का ऑप्शन होगा, किड पे क्लिक कर लेंगे और इस आवाज को खींच के, इस आवाज को खींच के हम इससे पीछे लगा देंगे। अब देखिएगा, पहले मेरा वॉइस होगा, उसके बाद किड्स बोलेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब हम बीफोर बॉल वाला वीडियो को क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम फिर से यहाँ पे इसको थोड़ा और कट कर देते हैं वीडियो को, ट्रिम राइट पे क्लिक करके। अब यहाँ से लेंगे फिर से टेक्स्ट, टेक्स्ट लेने के लिए हम फिर से लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बी, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर बी को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसमें ए फॉन्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे रोबोटो ब्लैक हम सेलेक्ट किए थे पहले, तो वही वाला है। फिर से बी तो हम ले लिए, अब हम बॉल लिखेंगे। फिर से हम जाएंगे लेयर पे, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉल, बी ए डबल एल, बॉल लिख लिए हम। इसको भी हाथ से खींचते हुए बड़ा कर लेंगे और इसका कलर पहले हम चेंज कर लेंगे, इसका कलर हम रेड दे देंगे और इसमें हम आउटलाइन डालेंगे, आउटलाइन डालेंगे। आउटलाइन डालने के लिए पहले हम इसको इनेबल कर लेंगे और आप इसके अपने अकॉर्डिंग छोटा मोटा पतला कर सकते हैं या प्लस साइन में ही रखेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे शैडो, शैडो में जाएंगे, इसको इनेबल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको डिस्टेंस कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। स्प्रिट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसमें 25 रखेंगे और इसको हम प्लस 4 रख देंगे। एक बार इसको हम प्ले कर लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं इसमें हम एनिमेशन लगा, अभी जो टेक्स्ट लगाया है उसमें एनिमेशन लगा लेंगे, तो इन एनिमेशन में हम पॉप दे देंगे, दोनों में पॉप दे दिए। अब हम यहाँ से पिक ले लेंगे, लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो बॉल का हम इमेज को डाउनलोड किए थे उसको यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। ये बॉल आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। अब इस थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसमें हम ओवरऑल एनिमेशन लगाएंगे। ओवरऑल एनिमेशन में हम रेन लगाएंगे, एक ही में लगाना है, दोनों में नहीं लगाना है, नहीं तो ये दोनों रेन हो जाएगा। इसको एक बार प्ले कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉल का इमेज बहुत लेट से आया, इसको थोड़ा खींच के आगे कर लेते हैं, दोनों को साथ खींचना है। एक बार फिर से प्ले कर लेते हैं। यहाँ से जो बी बोला वो लेट से आया, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं खींच के, अगर फिर से हम प्ले कर लेते हैं। बॉल यहाँ तक एंड हुआ, इसको यहाँ से हम क्लिक करके इसको ट्रिम कर लेंगे, बीच से ट्रिम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये बीच से कट हो गया, इसको थोड़ा इधर वाला रिकॉर्डिंग को पीछे कर लेंगे और ये बिफोर बॉल वाला रिकॉर्डिंग को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। इसके लिए हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डुप्लीकेट हो गया। अब इस वॉइस को हम बच्चा के वॉइस में चेंज कर लेंगे, इसके लिए हम वॉइस चेंजर में जाएंगे और हम किड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये बच्चा का आवाज में चेंज हो गया,
हम इस रिकॉर्डिंग को खींच के थोड़ा पीछे ले आएंगे। हो गया, अब हम यहां से सुन लेंगे एक बार। हाँ, यहां से हम कट कर लेंगे, जहां तक आवाज खत्म हुआ है वहां से हम कट कर लेंगे दोनों बॉल को। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो वीडियो क्लिप लिए थे बॉल का, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके जो क्लिप लिए थे उसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। उसको यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर लेंगे खींच के। आप देख सकते हैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम के ऑप्शन पे जाएंगे और ट्रिम लेफ्ट कर लेंगे। और ये वीडियो जो क्लिप है ये पीछे चले गया, इसको फिर आगे ले आएंगे। इसको हम अब शुरू से एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ए और बी का वीडियो हम आपको क्रिएट करके दिखा दिए हैं। अब सी डी का हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप एंड तक यानी जेड तक आप अपने से क्रिएट कर लीजिएगा इसी तरह। अब हम आपको एक बार दिखाते हैं ए बी सी डी का क्रिएट करके। ए से डी तक के वीडियो को हम क्रिएट कर लिए हैं, एक बार आपको प्ले करके दिखाते हैं कि हम कैसा वीडियो को क्रिएट किए हैं। आप देख सकते हैं ए से डी तक के वीडियो को हम अच्छे से क्रिएट कर लिए हैं। आप भी इसी तरह ए से लेकर जेड तक के वीडियो को क्रिएट करके यूट्यूब में पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में किड्स वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, जैसे कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाई, उसी तरह आप भी अपने वीडियो को यूट्यूब पे डालकर अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।